पाकिस्तान का नया सदर कौन, इंतखाब आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमत इतिहाद के आसिफ जरदारी मजबूत उम्मीदवार। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सैनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी सूबाई असम्बली और सैनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 600 पुलिस अहलकारों को तैनात करने का फैसला। गैर मुतल्लिक अफराद को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानब से सिंध हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स के एजाज में इशाया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम का सदारत इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुने तहत काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। उमर अयूब, असर फैसल, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मेंगल, ताहिर बजिंजो और दीगर शरीक। तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के वफद को मायूस लौटा दिया। सैयद यूसुफ रजा गैलानी की क़यादत में वफद ने मौलाना से मुलाकात की और सदारती इंतखाब के लिए वोट मांगा। मौलाना ने जवाब दिया कि पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। महमूद अचकजई को भी बता दिया है कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। उधर नेशनल पार्टी ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी तर्जुमान। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारत इंतखाब के बायकॉट का ऐलान। सदारत इलेक्शन में जीडीए किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिमायत और भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज हुकूमत खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। जीडीए सरबराह सदर शाह राशिदी की दीगर रहनुमाओं के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का सदारत इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 14वें सदर के इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मौखर करने के पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें रजा रुबानी और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे सीनियर तरीन लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है। हम बैठ कर तमाम मामलों का हल निकाल सकते हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि चूंकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में जजेस के पास हमने नहीं जाना। सदारत इंतखाब पंजाब में नू लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं में सदारत इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों के क्यादत का मिलकर चलने के अजम का इजहार। विफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरक कमेटी के क्याम पर इतफाक। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है कि तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ को सदर ममले का तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मैं आप सबके पास आया हूं और मेंबराने जो पंजाब असेंबली है अब सबसे मैं वोट मांगने आया हूं और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आए। अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो पीएमएलएन इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती।
खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी उदे, बहुत बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी उदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आईन शिकनी हुई है, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरियम नवाज का सदारत इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते, हम वोट देते, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, शुक्र है उस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी का कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर अवाम के लिए काम करना होगा। मुल्क की मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। मैं सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ के खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। मखसूस नशस्तों पर हल्फ उठाना गलत है, जिन्होंने हल्फ उठाया गैर आइनी है। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, वो कैसे चलेगा? हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असम्बली नहीं आते, एहतजाज करते रहेंगे। उमर अजूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, पहले दिन से कह रहे कि मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता, हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गोहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं, कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती, उससे पहले इनको वोट एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वो मुल्क कैसे चलेगा? आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आइनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मस्नूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज़ सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तोहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाईकोर्ट ने रोका, उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असम्बली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने के इस्तदा मुस्तरद कर दिए। सुन्नी तहत काउंसिल के मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारत इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने के इस्तदा भी मुस्तरद। पहले फ्रीकैन को नोटिस करते हैं, फिर देखेंगे फ्रीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए, 13 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट का सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारत इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असम्बली को सदारत इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहती। मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान असम्बली का वोट फैसला कौन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मुकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, मैंडेट पाशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF का PTI के ख़त पर रद्दअमल। PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला। IMF पाकिस्तान में माशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में माशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ियात के हल से मुमकिन है। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तसादी जायजे के लिए आमादगी का इजहार। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रजामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम का मुशावरत। इस पर फहरिस्त का बयान।